तो पोकेमॉन चैलेंजिंग जेनेसिस के एपिसोड 4 में आप लोगों ने देखा कि एस और एलन मिलते हैं। उसके बाद एलन और एस बैटल करते हैं, जहां पे एस अपना चार्जर का यूज करते हैं और एलन भी अपने मेगा चार्जर एक्स का यूज करते हैं। फिर दो पोकेमॉन के बीच बैटल होते हैं एंड आखिर में एस का चार्जर एलन के मेगा चार्जर एक्स को इजिली डिफीट कर देता है। उसके बाद एस और पिकाचू अपने ग्रेनेजर को ढूंढने लगते हैं क्योंकि उसको टीम में लेना है। और अब आगे एस और पिकाचू ग्रेनेजर को ढूंढ रहा था, लेकिन एस को अभी भी ग्रेनेजर नहीं मिला था। काफी देर हो चुका था लेकिन तभी भी एस को ग्रेनेजर नहीं मिला था। और उसके बाद फिर रात हो जाते हैं, लेकिन अभी भी एस और पिकाचू को ग्रेनेजर नहीं मिला था। लेकिन तभी पिकाचू को कुछ महसूस होता है और फिर एस पिकाचू को बोलते हैं क्या बात है पिकाचू। और तभी वहाँ से पीछे से डाकू एस और पिकाचू के ऊपर हमला करने वाले होते हैं। और तभी एंट्री होते हैं अपने ग्रेनेजर का, जो कि डाकू को काट देता है, जिससे डाकू खत्म हो जाते हैं एंड ग्रेनेजर एस और पिकाचू को बचा लेता है। और फिर एस बोलते हैं ग्रेनेजर मैं तुम्हें टीम में लेने के लिए कारो सीजन में आया हूँ, तुमसे काफी दिनों के बाद मिलने में बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है। क्या तुम जानते हो कि मैं पोकेमॉन मास्टर लीग चैंपियनशिप यानी कि वायरन रीजन की जो मास्टर लीग चैंपियनशिप है उसमें मैं पार्टिसिपेट करने वाला हूँ, जिसके लिए तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से मेरी टीम में आ जाओ। ग्रेनेजर चाहता तो था लेकिन ग्रेनेजर मना कर देता है एस को, क्योंकि ग्रेनेजर को कालोस को प्रोटेक्ट करना था। और एस इस बात को समझते है क्योंकि ग्रेनेजर के बिना कालोस खतरों में आ जाता है, इसलिए एस इस बात को समझ जाते है। उसके बाद एस फिर ग्रेनेजर को बोलते है कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कालोस को प्रोटेक्ट करो। एंड फिर सुबह हो जाते हैं एंड बहुत ही सुबह सुबह डाकरूट फिर से एस और इसके पोकेमॉन पे हमला कर देते हैं, जिससे ग्रेनेजर डाकरूट से बैटल करने लगते हैं एंड उसको खत्म करने लगते हैं। लेकिन डाकरूट बहुत ही ज्यादा मात्रा में आए हुए थे, इसीलिए एस अपने बाकी के पोकेमॉन को भी बाहर बुलाते हैं, जो कि ग्रेनेजर को हेल्प कर सकते हैं। एंड वो पोकेमॉन होते हैं चार्जर, इन्फानिप और सेप्टाइल, और साथ में पिकाचू भी सभी पोकेमॉन के साथ हेल्प कर रहे थे डाकरूट को खत्म करने में। एस और एस के सारे पोकेमॉन मिलकर डाकरूट से बैटल कर रहे थे, लेकिन काफी टाइम लग रहा था क्योंकि सभी डाकरूट बहुत ही स्ट्रांग एंड काफी ज्यादा था। लेकिन एकदम आखिर में एस के सभी पोकेमॉन कामयाब हो जाते हैं, यानी कि सभी डाकरूट को खत्म कर देता है, जिसके बाद एस थोड़ा रिलैक्स होते हैं एंड कम डाउन होते हैं। और अब एस ग्रेनेजर को बोलते हैं अच्छा ठीक है, अब मुझे जाना चाहिए, तुम इसी तरह कैलोस सीजन को प्रोटेक्ट करते रहना एंड सभी डार्क रूट को खत्म करते रहना। एंड तभी वहाँ पे लेजेंडरी पोकेमॉन जाइग्रेड आता है और एस के ग्रेनेजर को बोलते हैं कि तुम अपने ट्रेनर के साथ जा सकते हो, मैंने देखा कि तुम्हारे ट्रेनर और तुम एंड बाकी के तुम्हारे पोकेमॉन कितने अच्छे से डार्क रूट को खत्म किए, तुम्हारे सारे दोस्त बहुत ज्यादा स्ट्रांग है एंड उसके साथ तुम्हें जाना चाहिए। डार्क रूट पहले से कम हो गया है, अगर आएंगे तो मैं प्रोटेक्ट कर लूंगा कैलोस को, अभी तुम अपने ट्रेनर के साथ जा सकते हैं एंड उसका हेल्प कर सकते हो, जिससे ग्रेनेजर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं एंड इसके साथ जाने को राजी हो जाते हैं। और जाइगरेट ये भी बताते हैं कि अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें फिर से बुला लूंगा, लेकिन अभी के लिए तुम जा सकते हो, मैं कैलोस को प्रोटेक्ट कर लूंगा। और फिर एस अपने ग्रेनेजर को पोकेमॉन में वापस बुलाते हैं एंड सभी पोकेमॉन को वापस बुलाते हैं। और अब एस कैलोस को छोड़कर अब कैंट्रोजिंग में वापस जा रहे होते हैं। तभी एस बोलते हैं कि मेरे टीम में अब 5 पोकेमॉन हो चुके हैं एंड अब आखिरी पोकेमॉन की बारी है एंड वो पोकेमॉन है, यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाते हैं। और ये बोल के एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाते हैं। तो अब इसके आगे क्या होगा ये हमें एपिसोड 6 में जानने को मिलेगा एंड एपिसोड 6 बहुत ही जल्दी आएगा। तो तब तक के लिए आप इस सीरीज के बाकी के एपिसोड नहीं देखे तो बाकी के एपिसोड देख लेना, इसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर एंड स्क्रीन में मिल जाएंगे।